पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंघा। दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंघा। इसमें से सही आंसर है कंघा। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मित्र का पर्याय नहीं है? अली, सखा, सुहृद, मीत। इसका सही आंसर है अली। थर्ड क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम है? विनाश, विध्वंस, प्रलय, सृजन। इसका सही आंसर है विध्वंस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है? आकाश, अवनी, मेघ, बादल। सही आंसर है आकाश। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है? परिधन आवरण, परिधि धन आवरण, परिध धन आवरण, प्रिया धन वरण। इसका सही आंसर है परिधन आवरण। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है? केवल नाक से, नाक और मुंह है दोनों से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नाक और मुंह है दोनों से। अगला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। इसका सही आंसर है स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्तार, उहा, आहार, उदार, उद्धार। तो इसका सही आंसर है उद्धार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? 11 है, 9, 8, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 11 है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, सबको आता है ये तो, पति पत्नी, दंपति, युग्म, युगल। इसका आंसर है दंपति। अगर इनमें से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगे किंतु परंतु तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।